डियर स्मार्टफोन कंपनीज, काहे का डियर, तुम लोग ना पब्लिक को चूतिया बनाना बंद करो 5G के नाम पे। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किस तरह से स्मार्टफोन कंपनीज हमें 5G के नाम पे चूतिया बना रही हैं। सो लेट्स बिगिन। गाइस, जैसे आप लोग जानते हो, इंडिया में अभी 4G चल रहा है और 5G कोई कोई कंट्री में रोल आउट हुआ है, जैसे USA हो गया और अपना चाइना, ये सब जगह पे कहीं कहीं चालू है 5G, वो भी बहुत ही लिमिटेड जगहों पे। तो किस तरह से 5G का जो सिस्टम है ना, वो इस तरह से है कि उसकी जो रेंज है वो बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है। बात करी जाए तो दीवार के आर पार उसका नेटवर्क कवरेज नहीं रहता, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ है, टेक्निकल इश्यूज़ है 5G में, जो कि अभी सॉल्व होना बाकी है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, आप लोगों को पता नहीं है, और इसी चीज़ का फ़ायदा कंपनियां उठा रही हैं, जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं, जैसे रियलमी हो गई, आईकू हो गई और शाओमी भी अभी बैंड वैगन में आ गया। अभी रियलमी, आईकू करके एक कंपनी है जो 25 तारीख को अपना पहला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है, और उनका स्लोगन है दिस इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ फर्स्ट 5G स्मार्टफोन। अरे भाई, पहले इंडिया में 4G तो चलने दो बराबर से। अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं आप लोगों को स्पीड दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ और आप लोग देखो। सो एज यू सी, ये जियो का 4G नेटवर्क है और इंटरनेट इज़ ऑन जियो 4G। तो अभी मैं आप लोगों को स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से स्पीड हमें 4G की इंडिया में मिलती है, और ये लोग बात करते हैं 5G देने की। रुको ज़रा, हो चलने दो। मतलब एक बात बताता हूँ, मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ, गांव खेड़े में नहीं, मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में वर्ली एरिया में। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इधर पे नेटवर्क स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है, और ये स्पीड दे रही है। देखिए, ये 4G की स्पीड है, इंडिया में 4G की स्पीड है, 1 MBPS भी नहीं है। मालूम है कभी कभी अच्छी स्पीड आ जाती है, बट गाइज ये हालत है इंडिया में 4G की, और 5G का अभी क्या बोलूँ मैं। अभी आप लोग बताओ क्या चाहते हो आप लोग, आप लोगों को मतलब फ़ोन तो काफ़ी अच्छे है, ये जो Realme का X50 आने वाला है, ये भी 5G का पहला स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि 25th को ये आईकू लॉन्च होने वाला है, बट Realme ने अनाउंस किया कि हम इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन लेके आएंगे, जो कि होगा Realme X50 या X50 Pro है शायद, उसमें 5G होगा, जो कि 24th को ही लॉन्च होगा। लेकिन गाइस एक बात बताओ, अभी 4G चल नहीं रहा है, 5G का स्पेक्ट्रम जो है, जो ट्राई है, ऑक्शन भी नहीं करना स्टार्ट किया है, उसमें भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वोडाफोन इंडिया छोड़ के जाने वाला है। अभी जब कोई 5G लेने को रेडी नहीं है, खाली रिलायंस जियो बचा, 5G का अभी ऑक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, 5G रोल आउट होना नहीं स्टार्ट हुआ है, 5G करके बोले फ्यूचर प्रूफ है। अरे भाई, 3 साल कौन फ़ोन यूज़ करता है, 2-3 साल तो जाएगा इंडिया में 5G आने को। और आप लोग ईमानदारी से मेरे को कमेंट में बताओ, आप लोग एक फ़ोन को कितना दिन इस्तेमाल करते हो। मैं पर्सनली, अगर मेरा तो रिव्यू का काम है, मैं तो फ़ोन खरीदता हूँ बेचता हूँ, फिर खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो मेरा तो बैरली 15-20 दिन, 1 महीना यूज़ होता है। लेकिन गाइज, आप लोग जो नॉर्मल यूज़र हो, मेरे को कमेंट में बताओ आप लोग कितना दिन फ़ोन को यूज़ करते हो एज अ पर्सनल फ़ोन। बट जो भी है गाइज, मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है, जिस हिसाब से इंडियन स्मार्टफोन कंपनी फ़ोन निकाल रही है, और जितना मैं जानता हूँ, मुश्किल से लोग 6 महीने से साल भर फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं अपने। अब तुम साल भर के लिए फ़ोन ले रहे हो, उसमें 5G का तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना है। भाई फ़ोन अच्छा है, नो डाउट, उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स है, जैसे आईकू का फ़ोन है उसमें एड ट्रिगर्स है, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है, बहुत अच्छा, नो डाउट। लेकिन तुम 5G के नाम पे मत चूतिया बनाओ ना यार लोगों को। तुम बोलो कि 5G का कोई यूज़ नहीं है इंडिया में। सैमसंग गैलेक्सी S20 आया, वो पूरे वर्ल्ड में 5G वाला वेरिएंट आया, लेकिन इंडिया में 4G वाला। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि जब इंडिया में 5G आया ही नहीं है, तो फिर 5G वाला स्मार्टफोन निकाल के फ़ायदा क्या है? ज़बरदस्ती पैसा बढ़ेगा, और लोगों को पैसा ज़्यादा देना पसंद नहीं। इंडिया की मेंटालिटी आप लोगों को पता है, इंडिया के लोगों की, उनको जितना सस्ते में प्रोडक्ट मिले, जितना अच्छा प्रोडक्ट मिले उतना अच्छा है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि गाइज, आप लोग फ़ोन लेते वक्त अपना डिसीजन 5G के बेस पे बिल्कुल भी मत बनाना। अगर आप लोगों को फ़ोन लेना है तो 5G के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो उसको तो क्राइटेरिया ही नहीं रखना कि 5G मुझे चाहिए अभी फ़िलहाल, नेक्स्ट 2 साल तक के मेरे हिसाब से, उसके बाद आप लोग सोच सकते हो। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, सबको अवेयर करो कि 5G के नाम पे किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियाँ, रियलमी, शाओमी और ये आईक्यू जैसी कंपनियाँ हमें चूतिया बना रही हैं। मैं हार्श वर्ड, ये चूतिया वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन गाइज ये रियलिटी है और इंडिया की जनता ऐसी बोली है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये वीडियो शेयर करो, उनको अवेयर कराओ,
बस इतना ही बोलना था गाइज, मालूम है मुझे, मैं हिंदी वीडियोस बनाता नहीं हूँ इस चैनल पर, बट मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि देखता हूँ हिंदी वीडियोस कैसी चलती है यार। मतलब मज़ा नहीं आ रहा, लोगों ने बहुत कहा कि हिंदी वीडियो ट्राई करो, हिंदी वीडियो ट्राई करो, इसकी वजह से मैं इस चैनल पर भी हिंदी वीडियो ट्राई करूँगा। गाइज आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, मैं उसके बेस पर ही हर चीज़ का डिसीजन लूँगा। बाकी कैसा है, कुछ फीडबैक वगैरह है, कुछ आपको बताना है मेरे बारे में, कुछ इंप्रूवमेंट, तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। बस इतना ही बोलना था गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है मेरी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त क्वालिटी की टेक वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें इसी तरह से। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।